दोस्तों, वेलकम बैक टू बेबी टेल्स बाय प्रिया। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है मूर्ख गधा। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने बोझा ढोने के लिए एक गधा पाला हुआ था। वह गधे पर अलग अलग प्रकार के सामान लादकर बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। यही उसकी आमदनी का जरिया था। व्यापारी ना बहुत क्रूर था। वह हमेशा गधे पर बहुत सारा भार लाद देता था, जिसके कारण बेचारा गधा बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। उसका मानना था कि जितना ज़्यादा सामान उतनी ही ज़्यादा बिक्री और उतना ही ज़्यादा पैसा। वह कभी भी गधे के बारे में तो सोचता ही नहीं था। एक दिन व्यापारी ने गधे के ऊपर नमक के भारी भरकम बोरे लाद दिए। गधा इतना भार उठाकर बहुत ही धीमे 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 से चल रहा था। उसके लिए नमक से भरे बोरों का भार उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। बाजार पहुंचने के लिए रास्ते में एक नहर पार करनी पड़ती थी। उस दिन नहर पार करते हुए गधे को किसी पत्थर से ठोकर लग गई और वो नहर में जाके गिर गया। इस कारण थोड़ा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी ने गधे को नहर से बाहर निकाला। जब गधा नहर से बाहर निकलकर वापस अपने पैरों पर उठ के खड़ा हुआ तो उसको लगा कि उसकी पीठ पर तो कुछ भार कम हो गया है। मूर्ख गधा यह मानने लगा कि पानी में भीगने से सारी वस्तुएं हल्की हो जाती है। कुछ दिन के बाद व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई के कुछ बोरे लाद दिए। यद्यपि रुई के बोरों का बोझ अधिक तो नहीं था, परंतु वह गधा उसे और हल्का करना चाहता था। इसलिए जब वह नहर पार करने लगा तो वो जानबूझकर ही लड़खड़ाकर नहर में गिर गया। लेकिन इस बार बोरों में भरी रुई में पानी सोख लिया और वो तो और ज़्यादा भारी हो गई। जब गधे ने उठने की कोशिश की तो उसने पाया कि रुई के भार से वह तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तभी व्यापारी उसे नहर से बाहर निकालने आ गया। गधे को उठता हुआ देखकर व्यापारी ने उस पर खूब कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। कोड़े खाकर गधे को मजबूरन खड़े होकर सारा भार उठाना पड़ा। अब गधे को यह आभास हो गया था कि भीगने से सारी वस्तुएं हल्की नहीं होती, बल्कि कुछ वस्तुएं भारी भी हो जाती है। इस प्रकार मूर्ख गधे को सबक मिल गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी काम को करने से पहले अच्छे से उसके बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए, फिर ही उस काम को करना चाहिए। Okay.